नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, किसी निवेश विचारक का कहना है कि हम निवेश के क्षेत्र में आधी लड़ाई तब जीत जाते हैं जब सही ट्रेंड को सही समय पर पकड़ लिया जाए। रिटेल निवेशक अक्सर करके ये गलती करता है, जब ट्रेंड निकल जाता है तब किसी स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए जहां वो पकड़ता है स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, और कब रिवाइवल आ रहा है, कब सेचुरेशन चल रहा है, उसको ठीक से समझ का अभाव होता है। इस प्रकार हमेशा वो नुकसान उठाता है। मित्रों, मार्केट एक साइकिल है। आप स्टॉक मार्केट का ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसे खास मौसम में चलते हैं, किसी खास मौसम में गिरते हैं। उसी तरह से एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सेक्टर चला करते हैं। किसी सेक्टर में रहने पर ज्यादा पैसा बनता है, और यदि वो सेक्टर साइकिल ट्रेंड में नहीं है तो उसमें वो बड़े रिटर्न प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हालांकि रिटर्न तो प्राप्त होता है, लेकिन बड़े रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमको ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। जैसे बात की जाए तो 1996 से लेकर के 2000 तक टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम का दौर चल रहा था। जो लोगों ने इन शेयरों में पैसा लगाया, इस सेक्टर के शेयरों में खूब पैसा बनाया। 2003 से 2007 को देखा जाए तो रियल इस्टेट, पावर, इंफ्रा, कमोडिटी, इन सब शेयरों में पैसा बनाया गया। 2009 से 2015 तक देख लिया जाए मित्रों तो फार्मा, FMCG, कंजम्पशन, और 2015 से 2018 का समय देख लिया जाए तो NBFC, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों ने पैसा बना के दिया। ये पूर्व के ट्रेंड रहे हैं, आगे क्या होगा? अब ये जो ट्रेंड के समय बताए गए, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड के बाहर उस सेक्टर के स्टॉक में हमने प्रवेश किया तो पैसा नहीं बना। पैसा बना, लेकिन यदि बिग रिटर्न प्राप्त करना है, ह्यूज रिटर्न प्राप्त करना है, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना होगा। तो अब आगे क्या होगा, आगे कौन सा ट्रेंड चलेगा, इसके लिए मार्केट के एक बहुत बड़े दिग्गज निवेशक हैं, एक्सपर्ट हैं, बरिंदर बंसल। उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक लेख लिखा है, जिस लेख में उन्होंने भविष्य के सेक्टर की तरफ इशारा किया है कि आने वाले समय में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो तेजी से ग्रो हो सकते हैं, जिनके साथ रह करके पैसा बनाया जा सकता है। बरिंदर बंसल का मानना है मित्रों कि किसी भी सेक्टर से हम पैसा बनाना चाहते हैं तो उस संबंधित सेक्टर के top 3 कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। top 3, जैसे फाइनेंशियल मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में लगाना है तो नंबर 1 पे HDFC बैंक, नंबर 2 पे कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर 3 पे एक्सिस बैंक, तो इन सॉरी ICICI बैंक, तो इन 3 कंपनियों में हमको पैसा लगाना चाहिए। उसी तरह से यदि दूसरे सेक्टर में चले जाइए, IT में चले जाइए, TCS, इंफोसिस और भी है, तो जिस सेक्टर में हम जाएं हमें top 3 कंपनियों को चुनना चाहिए। अपने देश में वर्तमान में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी खुल रहे हैं। बरिंदर बंसल का मानना है कि ये जो सेक्टर खुल रहे हैं इसमें बड़े पैमाने पर पैसा बनने की संभावना है। इसी बात को रामदेव अग्रवाल, जो मोतीलाल ओसवाल के हैं, बार बार इस चीज को उन्होंने कहा है। रामदेव अग्रवाल को भी छोड़ दिया जाए तो मार्केट के तमाम जो दिग्गज निवेशक होते हैं, जिनको हम TV, YouTube चैनलों पर देखा करते हैं, जिनके ब्लॉग्स हम लोग पढ़ा करते हैं, उनके ब्लॉग्स को पढ़ें तो इसमें यह आता है। निवेश से संबंधित किताबों को पढ़ा जाए तो उसमें भी यह आता है कि सही ट्रेंड को सही समय पर पकड़ना, और जो सेक्टर नया नया ओपन हो रहा है
उसमें पैसा बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो वो कौन से सेक्टर होंगे जिनमें पैसा बनेगा? वीरेंद्र बंसल का मानना है कि जो ये सेक्टर जिसकी चर्चा उन्होंने अपने ब्लॉग में किया है, फंड का एक बड़ा हिस्सा उस सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। तो पहला उन्होंने कहा है रिटेल सेक्टर, जिसमें डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट और रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस रिटेल का कारोबार देखती है, वो देखा जा सकता है। बात यह है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की खर्च करने का जो क्षमता है वो भी बढ़ता जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल में जा रहा है, और वो रिटेल सेक्टर सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हो रहा है। दूसरा जो सेक्टर उन्होंने कहा है एक्सचेंज, एक्सचेंज बोले तो बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, जहां पर स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह होते हैं। दरअसल अपने देश में अभी जो इक्विटी का जो दखल है, पहुंच है, वो बहुत कम है। अपने देश में 135 करोड़ जनसंख्या बताई जाती है, जिसमें मुश्किल से 2-3% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। यानी जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर ह्यूज सेक्टर पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, वो इस सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार एक्सचेंज में एमसीएक्स और बीएससी। दूसरा इंश्योरेंस, जीवन बीमा, यह भी अभी धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ। चौथा है एएमसी बिजनेस, जिसमें एचडीएफसी, एएमसी, रिलायंस निपन इंश्योरेंस, और आने वाले समय में और जो लिस्ट होने जा रहे हैं, जिसमें यूटीआई, एएमसी आ रहा है, यूटीआई, एएमसी के उपरांत एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी होगा, अभी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का भी लिस्ट होना बाकी है। तो वो सेक्टर अभी खुल रहा है। रामदेव अग्रवाल का मानना है कि इंश्योरेंस और एएमसी दोनों जो सेक्टर होता है, इसमें दिमाग लगा के पैसा कमाया जाता है। इसमें कोई फैक्ट्री डाल करके, कोई प्रोडक्शन यूनिट डाल करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं कमाया जाता है। एएमसी बिजनेस में निवेशकों से पैसा लिया जाता है, उस पैसे में अपना स्किल, अपनी योग्यता, अपना दिमाग लगा कर कहीं निवेश करके पैसा बनाया जाता है, बदले में ब्रोकरेज मिलती है। यानी कुल मिला करके शुद्ध रूप से लाभ का बिजनेस है, घाटा की आशंका, या यूं कहें कि इसमें लागत की बहुत ही कम है। अगला सेक्टर है मित्रों पांचवा, वेल्थ मैनेजमेंट। अभी इस सेक्टर में कोई शेयर अभी लिस्ट अभी नहीं हुआ है, खुलना अभी बाकी है, अभी खुलेगा वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है आपका, और भी कई कंपनियां हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी तो पहले से काम करती है, वेल्थ मैनेजमेंट बोले तो जो पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देते हैं, उस सेक्टर की बात हो रही है। पीएमएस में पहले 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट माना जाता था, अब इस महीने से सेबी के दिशा निर्देश से इसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी यदि हमारे पास 50 लाख रुपया है, तो मैं किसी भी कंपनी की पीएमएस सर्विस ले सकता हूँ, वो कंपनी मेरे लिए समर्पित होकर एक अलग से मेरे रिस्क जोखिम के अनुसार पोर्टफोलियो डिजाइन करता है। छठा देखा जाए तो सिक्योरिटी, जो भी चर्चा मैंने किया था सिक्योरिटी का, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आईआईएफएल लिस्ट है।
सातवां जो सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है मित्रों, वो है पैथोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर। डॉक्टर लाल पैथलैब लगातार नई ऊंचाइयों पर चल रहा है। थायरो केयर, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये सब स्टॉक्स एकदम बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। इसके पहले वाले जो स्टॉक्स हैं, चाहे AMC हो, इंश्योरेंस हो, सभी के सभी अपने ऑल टाइम हाई या 52-week हाई के आसपास चल रहे हैं। आठवां है मित्रों फूडिंग का कारोबार करने वाली कंपनी, जो ऑनलाइन फूडिंग का कारोबार करती है। क्विक रेस्टोरेंट भी इसके तहत आ सकता है, जिसमें नंबर वन पर है डोमिनो का पिज्जा वाली कंपनी जुबिलेंट फूड। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वेस्ट साइड डेवलपमेंट, यानी जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ओन करती है। देखा जाए तो इसके अतिरिक्त जोमैटो और स्विगी वगैरह भी है, लेकिन जोमैटो के लिए आपको इन्फो एज के शेयर में मिलता है। आगे चल करके जोमैटो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है, अभी समय है। इसके बाद अगला बात किया जाए मित्रों सेक्टर, तो स्मॉल फाइनेंस का जो है, जो माइक्रो फाइनेंसिंग का होता है, वो भी सेक्टर धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है। कई स्टॉक इसकी लिस्ट हो चुके हैं और लगातार पैसा बना के दे भी रहे हैं, तो ये भी सेक्टर। इसमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बहुत तेजी से भाग रहा है। और देखा जाए तो स्टार्टअप वाले जो नई नई बिजनेस स्टार्टअप होते हैं, इसके लिए इन्फो एज। और इसके अतिरिक्त एक और बड़ा सेक्टर जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है अपने देश में, वह है केमिकल सेक्टर। केमिकल बोले तो मित्रों, केमिकल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर प्रोडक्ट में केमिकल यूज होता है। हम कपड़े भी पहनते हैं मित्रों, तो कपड़े में जो कलर होता है, उस कलर के लिए भी किसी न किसी केमिकल का प्रयोग किया जाता है। खाना खाते हैं तो खाने में भी कई मसाले हैं, उसमें केमिकल यूज होता है। कई प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें केमिकल यूज होता है। और जिस तरह से चाइना में पिछले कुछ सालों में, जो वहां पर औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिगत दोहन किया गया था, पर्यावरण का दोहन किया गया था, पर्यावरण पर संकट चल रहा है, जिसकी वजह से वहां से तमाम कंपनियां जो हैं अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर रही है, कर दी है काफी हद तक, तो उनके लिए जो रास्ते हैं जहां पहुंचने के लिए, उसमें एक रास्ता है आपका मलेशिया का, वियतनाम का, भारत का, बांग्लादेश का, जिसमें भारत जो है सबसे शीर्ष पर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स कटौती है वो कम कर दिया गया कटौती करके। तो केमिकल सेक्टर बहुत पोटेंशियल वाला है। इसमें आप केमिकल सेक्टर की बात करें तो अतुल लिमिटेड, अतुल के बाद बात करते हैं तो आरती लिमिटेड, आरती और विनती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक, SRF, और पहले से केमिकल के दिग्गज चल रहे हैं PI इंडस्ट्री, PD Light, ह्यूज पोटेंशियल, क्या कहना है। इस तरह से और भी सेक्टर्स हैं वीरेंद्र बंसल के अनुसार। ये कॉमन सेंस है मित्रों, निवेश के फील्ड में इसी तरह के कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जो मैंने बताई लिस्ट, इसमें से काफी ऐसी कंपनियां हैं जो हमें पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। ओवरवेट होना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि जब फायदा मिलेगा तो बम्पर फायदा मिलेगा। उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।